गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 16, ऐसे आज का आपका चैप्टर है 17, हेयर कम अ लेटर। सो आपको यहाँ एक लेटर दिया गया है। सो आप देखेंगे लेटर ऐसा होता है जो आपको यहाँ येलो कलर में दिया गया है। सो देखते हैं किसे लिखा गया है। यहाँ देखो, अहमद यू टेल हाउ आर यू। अहमद आप बताओ कैसे हो। वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट। हम सभी फ्रेंड तुमको बहुत मिस करते हैं। होप यू विल बी कम प्रयागतला इन द वेकेशन। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रयागतला में वेकेशन में आओगे। रिगार्डिंग टू ऑल एल्डर्स योर रीना। ये लेटर किसने लिखा है? रीना ने लिखा है। किसे लिखा है? अहमद को लिखा है। सो यह लेटर अपनी बायोग्राफी मतलब खुद के बारे में लिखते हुए कहता है, आई एम अ लेटर, मैं एक लेटर हूँ। अ लेटर रिटन विथ अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। मुझे रीना के द्वारा लिखा गया है एक पेन और पेपर में। पेन के द्वारा पेपर में लिखा गया है। किसने लिखा है? रीना ने। फॉर हर फ्रेंड अहमद, उनके फ्रेंड अहमद के लिए। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स। मुझे एक लेटर बॉक्स में रखा गया। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी अ बिग बैग। पोस्टमैन ने मुझे बाहर निकाला और कि बिग बैग में मतलब एक बड़े से बैग में रखा। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन बाइसिकल। फिर पोस्टमैन मुझे बाइसिकल पर लेकर राइड कराने मतलब सवारी कराने लेके गया। आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस। मैं पोस्ट ऑफिस में पहुँचा। देयर आइज आज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड। वहाँ पे एक स्टैम्प लगाया गया मेरे ऊपर। द स्टैम्प वाज ऑफ अगरतला। स्टैम्प वाज ऑफ अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन। जहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई थी मतलब अगरतला से उसकी यात्रा शुरू हुई थी उसकी जर्नी। तो वहाँ उसका एक स्टैम्प लगाया गया। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प आई रीच अनदर बिग बैग। स्टैम्प के बाद मुझे एक बिग बैग में रखा गया। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स। वहाँ पर बहुत सारे काफ़ी लेटर्स थे। ऑल हेडिंग फॉर डेली। वो सारे कहाँ के लिए थे? डेली के लिए। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट रेलवे स्टेशन। देयर आई गोट इन टू अ ट्रेन टू डेली। वो डेली के द्वारा कहाँ ट्रेन के द्वारा कहाँ पहुँचा? डेली में पहुँचा। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी टू 5 to 6 days, 5-6 दिन की जर्नी के बाद आई रीच दिल्ली। मैं एक दिल्ली पहुँचा। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी। फिर उसे एरिया के द्वारा मेंशन किया गया मतलब जैसे वो मालवीय नगर का था या फिर अगर दूसरे एरिया का था वहाँ उन्हें मेंशन किया जाता है। जैसे जिस एरिया का हो वहाँ उन्हें लेटर पहुँचाया जाता है। वन मोर स्टैम्प वाज पुट ऑन मी। उसके ऊपर एक और स्टैम्प लगाया गया। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट द अहमद हाउस। फाइनली वो कहाँ पहुँच गया? अहमद के घर पहुँच गया। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो, गिवन बिलो द जर्नी इज़ द जर्नी ऑफ अ लेटर सोन थ्रू पिक्चर। आपको यहाँ लेटर की जर्नी के बारे में पिक्चर्स दी गई है। द पिक्चर आर नॉट इन सीक्वेंस। जो पिक्चर है वो सही क्रम में नहीं है। अरेंज दिस अ गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स। तो आपको यहाँ सर्कल्स दिए गए, उनमें सबसे नंबर्स डालने। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर लिखा जाएगा तो उसका कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसकी पूरी प्रोसेस को आपको यहाँ बताना है। फिर यहाँ पेज नंबर 133 पे देखिए, रीना रोट अ लेटर टू अहमद। रीना ने अहमद को लेटर लिखा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द ग्लास। आप अपने फ्रेंड को ग्लास में लेटर लिखे। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। आपका फ्रेंड का नाम लिखना ना भूलें। फिर लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द ग्लास। आपको एक लेटर बॉक्स बनाना है ग्लास में। टेक एन एम्प्टी सॉरी बुक्स। आपको एक खाली बुक लेनी है। पेंट इट विथ रेड कलर एंड पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। उसे रेड कलर से रेड कलर करना है पेपर पे। हेल्प विथ द सीजर मेक अ स्लेट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। द सेट स्लेट शुड बी इनफ फॉर लेटर टू बी पुट इन। मतलब हमें एक ऐसा कवर बनाना है जिसमें लेटर हम रख सकें। फिर आप यहाँ देख सकते हो, नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। अब आपका लेटर बॉक्स है वो रेडी हो गया। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। आपका जो लेटर है वो लेटर बॉक्स में रखना है। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू बाय योर फ्रेंड। अब आपके फ्रेंड का वेट करना है कि वो आपको लेटर लिखे, वो आपको रिसीव करें। वन चाइल्ड विल एक्ट अ पोस्टमैन। एक जो बच्चा होगा वो उसे पोस्टमैन की तरह एक्ट करना है। ही और सी विल टेक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। जो पोस्टमैन बनेगा मतलब जो पोस्टमैन की तरह एक्ट करेगा, चाहे कोई भी गर्ल हो या बॉय हो, उसे सारे जो लेटर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करने रहेंगे मतलब बांटने को रहेंगे। डिड यू इन्जॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। फिर आपको इन्जॉय करना है आपके फ्रेंड का लेटर रीड करके। जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड एंड रिलेटिव मस्ट बी ऑल्सो सेंडिंग लेटर टू यू। जैसे आप अपने फ्रेंडों को लेटर सेंड करते हैं, ऐसे आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव होंगे वो आपको भी सेंड करेंगे। राइट सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। कुछ लेटर आपके स्कूल से होम तक होंगे। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स आर
देयर, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लेटर लिखने में। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, जैसे व्हाट डिफरेंट डू यू सी इन दिस लेटर, आपको क्या क्या डिफरेंस दिखे है लेटर में। फिर है विच लेटर्स हैव स्टैम्प ऑन देम, कौन कौन से लेटर पे स्टैम्प्स लगे, मतलब कहाँ कहाँ लगे, कौन कौन सी जगह पर। आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर, क्या सारे स्टैम्प्स सिमिलर थे, सब एक समान थे। व्हाट आर द डिफरेंस, उनके बीच में क्या डिफरेंस था। हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर, क्या आपने कभी ऐसे स्टैम्प देखे हैं पोस्ट ऑफिस पे लगते हुए। फिर आपका यहाँ है कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प एंड पेस्ट देम ब्लो, आपको अलग अलग प्रकार के स्टैम्प्स यहाँ आपको पेस्ट करने रहेंगे, ठीक है। फिर आपका है राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन ब्लो, आपको एक पोस्ट कार्ड से ऐसा लेना है येलो कलर का, फिर उस पर का फुल एड्रेस लिखना है और आपको जहाँ लेटर रिसीव सेंड करना है वहाँ उसके बारे में सब लिखना है। रीना लेटर रिच बाय डेली बाय ट्रेन, रीना का लेटर डेली पहुँचा बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। हाउ डू यू थिंक लेटर रिच डिस्टेंस प्लेस वेन देयर वेयर नो ट्रेन, आप क्या सोचोगे अगर ट्रेन की ट्रेन नहीं होती तो वो लेटर किसके द्वारा पहुँचता, लेटर कैसे पहुँचता, वो आपको बताना है। विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस, आपको पोस्ट ऑफिस में विजिट करना है। विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल, आपके स्कूल के आसपास या फिर कोई भी घर के आसपास पोस्ट ऑफिस हो वहाँ आपको विजिट करना है। ऑब्जर्व हाउ लेटर रीच हेयर आर सेंड फ्रॉम देयर, आपको देखना है कि कौन कौन से लेटर वहाँ पहुँचे हैं, कौन कौन से सेंड हुए हैं वहाँ से। वाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स अवेलेबल, वाट आर द देयर कॉस्ट, कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड द रीना यूज। फिर है नेक्स्ट व्हाट अदर वर्क टेक प्लेस हियर, आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फिर है आपका आस्क द चिल्ड्रन टू इंक्वायर फ्रॉम सम ओल्ड पीपल हाउ लेटर वेयर डिलीवर इन ओल्डन टाइम, आपको अपने चिल्ड्रन से आपके जो भी पेरेंट्स हो कोई भी बड़े हेल्प हो उनसे पूछना है कि ओल्ड टाइम में मतलब पुराने जमाने में कैसे लेटर भेजे जाते थे। Children might need help in writing the address on the postcard. The understanding that old people are important so to know about the past will encourage children to interact with them. आपको अपने बड़ों से पूछ के मतलब पूरी स्टोरी लिखनी है कि वह कैसे लेटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते थे। फिर है वॉट इज दिस, वाट आर रजिया एंड हर अप्पा सेंग ईच अदर अबाउट लेटर, जो अप्पा और रजिया होते हैं वो लेटर के बारे में मतलब डिस्कशन करते हैं। अप्पा डू यू नो टूडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास, जो अप्पा होती है वो अपनी मम्मी को बताती है कि आप जानते हो कि आज मैंने क्लास में लेटर के बारे में सीखा। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी, मुझे अपनी नानी को लेटर लिखना है। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है यू कैन राइट अ लेटर, बोले तुम लेटर लिख सकती हो। आई एम गोइंग टू अ फोन कॉल, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग, बोले आओ अभी फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। फिर रजिया एंड अप्पा वेंट आउट टू मेक फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज, वह एक फ़ोन कॉल की शॉप पे गए विलेज में। अप्पा डायल द फ़ोन नंबर, अप्पा ने डायल किया फ़ोन नंबर एंड बोथ देम टॉक टू नानी, और उन्होंने नानी से बात की। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर, उन्होंने शॉपकीपर को पैसे दिए एंड रिटर्न होम हैप्पीली, और घर वापस आ गए खुशी होकर। वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स, क्या आपने कभी ऐसे टेलीफोन्स देखे हैं। विथ हुम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, आपने कभी किससे बात की ऐसे टेलीफोन से। फिर आपका यहाँ है फिर यहाँ लास्ट पेज पे आप देख सकते हो टेलीफोन्स आर डिफरेंट टाइप, टेलीफोन अलग अलग प्रकार के होते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ टेलीफोन यू हैव सीन, आपको कोई भी टेलीफोन की या पिक्चर ड्रॉ करनी है जो आपने देखे हैं। फिर है मेक योर ओन टेलीफोन, आपको अपना टेलीफोन बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको प्रोसेस दी गई है। फॉर दिस यू नीड टू एम्प्टी बॉक्स और मैच बॉक्स और आइसक्रीम कप एंड थ्रेड, आपको आइसक्रीम कप या मैच बॉक्स और धागे की जरूरत रहेगी। मेक होल इन द मैच बॉक्स और आइसक्रीम कप, जो मैच बॉक्स है या फिर जो आइसक्रीम कप है उसमें आपको होल करने है। पास अ थ्रेड थ्रो वॉथ द होल्स, आपको उन दोनों होल्स में से धागा निकालना है। टाई नॉट ऑफ द ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द थ्रेड, आपको दोनों धागे के किनारों पर गिठान बांध देनी है। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी, आपका जो टेलीफोन है वो रेडी हो जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन टेक्स टू हीज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ, आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि एक दूसरे कोने पे जाके वो कान में लगा के सुने और एक जो फ्रेंड है वो बोलेगा। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन स्टेच एंड डज नॉट टच एनी वेयर स्टार्ट टॉकिंग, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई धागा खींचना नहीं चाहिए ना उसे कोई टच करे, और आपको अपनी बातचीत स्टार्ट करनी है।
डिजाइन योर ऑन टेलीफोन, आपको अपना टेलीफोन डिजाइन करना है, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर्स। वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल, हम लेटर लिख सकते हैं, फ़ोन कॉल बना सकते हैं। वॉट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल, फ़ोन कॉल और लेटर के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। वाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज इफ देयर इज नो पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस नहीं होती तो हम अपने मैसेज कैसे सेंड करने वो आपको बताना है। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर लेटर के बारे में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करने एंड प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू एवरीवन।